सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे हो, तुसीं मैं तुहाडे नाल गुरजीत कौर। अज कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरोंटो के वलों वैटरनस नूं सन्मानित करन दे लई एक इवेंट का आयोजन किया गया है, जिथे कि जिन्हां की उम्र 70 तो उपर हो चुकी है, वैटरनस रिटायर ने, उन्होंने सन्मानित किया गया है। इस मौके गलबात करते हैं कौंसल जनरल के नाल भी, वैटरनस के नाल भी, कि उन्होंने किवें दा लग रहा। टोरोंटो में बीते दिन ही कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरोंटो वलों इंडियन वैटरनस नूं सन्मानित करन लई वरिष्ठ योद्धा इवेंट करवाया गया। रूफ गार्डन इटोबिको टोरोंटो विच इवेंट रखा गया सी, जिस विच कई वैटरन्स अपने परिवारों समेत शामिल हुए। दसिए कि कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरोंटो वालों पिछले 4 सालों तो यह इवेंट करवाया जा रहा है, जिस विच पहला 90 साल तो उपर उम्र वाले रिटायर्ड फौजियों नूं सन्मानित किया जाता सी, पर हुण 90 साल तो उम्र घटा के 70 साल कर दी गई है। इस मौके पर कौंसल जनरल श्री सिद्धार्थनाथ ने सारिया का स्वागत किया अते 70 साल तो उपर उम्र वाले रिटायर्ड फौजियों नूं सन्मानित किया। इवेंट विच मनोरंजन लई भंगड़ा परफॉर्मेंस भी रखी गई सी, जिसने सब का मन मोह लिया। इवेंट विच स्नैक्स अते डिनर का भी प्रबंध किया गया सी। कौंसल जनरल श्री सिद्धार्थनाथ ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि वैटरनस अपने भारत देश की रक्षा लई बहुत कुछ करदे हन अते उन्हां दा सन्मान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने दसिया कि वरिष्ठ योद्धा समागम की शुरुआत वैटरनस दीआं कुरबानियां नूं याद करन अते उन्हां नूं सन्मानित करन लई ही कीती गई सी। How deeply moved I have been with all the conversations I've had this evening and in the months before. So I'm very new here, relatively new in Toronto, but all my conversations with our veterans have been so intensely moving and inspiring for me. And of course the words we heard from the stage today, as well as the conversations outside of the stage on the sidelines, is something that inspires me and my colleagues deeply. And we are truly committed to making sure that we continue to work inspired by the examples of all of you. And of course, it's our honor to meet with you, to welcome you, and to do all that we can to make sure that you are comfortable. So thank you all very much, and we look forward to many more such events. सर, अज जिहड़ा ये इवेंट रखा गया, जो इंडियन आर्मी के जिन्होंने इन्ना महत्वपूर्ण योगदान पाया उन्होंने इतने सम्मानित किया गया, किवें की कहना चाहोगे इस मौके? तो इंडियन आर्मी ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो वेटरन्स यहाँ कैनेडा में रहते हैं उनको सम्मानित करने का ये एक प्रोग्राम है। पिछले 3-4 साल से चल रहा है वरिष्ठ योद्धा प्रोग्राम, और हमारा मकसद यही है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस के वेटरन्स हैं उनके जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं फॉर द कंट्री, उन सैक्रिफाइसेस को हम ऑनर करें, उनके डेडिकेशन और सिंसेरिटी को हम ऑनर करें। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम। वरिष्ठ योद्धा प्रोग्राम की शुरुआत कदों की गई सी? तो मेरे प्रीडेसेसर अपूर्वा श्रीवास्तव, जो मेरे से पहले यहाँ कौंसल जनरल थे, उन्होंने शुरू किया था दो तीन साल पहले, और फर्स्ट एडिशन में जो 90 ईयर्स प्लस के जो वेटरन्स थे उनको सम्मानित किया गया था। आज 70 ईयर्स प्लस के जो वेटरन्स हैं उनको सम्मानित किया गया, और आज के प्रोग्राम में हमने देखा जो यहाँ से स्पीचेस हुए थे डायस से, कि कितना जो कनेक्शन है विद इंडिया, द लव फॉर द मदरलैंड, दैट केम थ्रू वेरी क्लियरली। एंड ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, विच इज़ वाई वी आर सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड दैट द वेटरन्स टुक टाइम टू कम एंड स्पेंड टाइम विद अस। इस मौके पर मौजूद वैटरन्स नाल भी गलबात की गई, जो कि बेहद ही खुश सन। उन्होंने अपने वैटरन वजो करियर बारे दसिया। कुछ वैटरन्स नू रिटायर होया नू 25 साल तो भी उपर समा हो चुका है, पर उन्होंने हजे भी अपने उस समय की सुनहरे दिनों की याद आती है। उन्होंने कहा कि यह इवेंट जो कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरोंटो वालों हर साल करवाया जाता है, इस नाल वैटरन्स नू एक तो माण महसूस होता है, दूजा अपने साथियों नू मिलन का मौका भी मिल जाता है। उन्होंने कहा कि अज असी इत्थे अपने परिवारों नाल आए हाँ अते बहुत ही चंगा माहौल बनिया होया। उन्होंने कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरोंटो का तह दिलों धन्यवाद किया। अज असी इत्थे मिले हाँ हॉलीडे इन ते कौंसलेट जनरल वालों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों इनिशिएटिव है कि जिन्हें भी वैटरन ने उन्होंने जिन्हें 75 साल तो उपर उम्र है उन्होंने अवार्ड दिता वरिष्ठ योद्धा का। एक इनिशिएटिव जिहड़ा कि वैटरन नूं लुक आफ्टर करन दा, कि जिवें सानूं सारिआं नूं पता कि कैनेडा अमेरिका दे विच वैटरन दी बहुत इज्जत माण हुंदा, तो उहदे नाल इह जिहड़ा माण है इह फिर जिन्नियां वी इत्थे माण मिलदा उह इंडिया जांदा, इंडिया तों फिर जिहड़े डिफेंस 'च सर्विस कर रहे आ उह वेखदे आ, तो उहदे नाल कि उहनां दा मोराल वी हाई हुंदा, ओवरऑल इंडिया दी नैशनल सिक्योरिटी 'च वी कंट्रीब्यूट करदा।
अज कोई 30 कमेटर ने इतने आए सन आर्मी नेवी एयरफोर्स के जहाँ की 75 साल तो पूरा उम्र है और उन्होंने इनवाइट करके कौंसल जनरल ने अज सन्मानित किया। साड़ी एक ऑर्गनाइजेशन है वेटरन एसोसीएशन ऑफ ओंटेरियो जिदा कि मैं चेयरमैन है, मेरा नाम ब्रिगेडियर नवाब सिंह। तो असी कौंसल जनरल के नाल एक दो इशू जिहड़ियां लोकल इशूज है इत्थे जिहड़े कम्यूनिटी दे विच डिवाइड है वो और इंटरनेशनल स्टूडेंट दी इशूज वो भी असी रेज कीतियां क्योंकि इस एक साडा सारिआं दा सेंट्रल मुद्दा है। और इहदे नाल नाल असी ट्रैकआउट भी कीता कि कैनेडा और इंडिया के जो रिलेशन है वो सिर्फ 47 च नहीं शुरू हुए थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो शुरू है जदों के फिरोजपुर ब्रिगेड की आर्टिलरी ने 4 डिवीजन जोड़े कैनेडा के इसे भिमी रिज की बैटल के उन्होंने सपोर्ट दी। तो पीपल टू पीपल बहुत वड्डा रिलेशनशिप है इंडिया और कैनेडा का। अजकल वैसे थोड़ा जहा डिप है रिलेशनशिप से, बट आई एम श्योर कि जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप वो फिर ठीक हो जाएगा। और आ जड़ी प्रॉब्लम है टेंपरेरी प्रॉब्लम इंटरनेशनल स्टूडेंट दी ये भी ठीक हो जाएगी। सर, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया वालों इतने इवेंट करवाया गया, वेटरन्स को सम्मानित किया गया, किवें दा लग्या इस मौके? सानू बहुत वधिया लग्या जी, एंड रियली अप्रीशिएट, एंड आई वाज सर्वड इन इंडियन एयरफोर्स एज ए JWU, एंड इट इज़ अ वंडरफुल इवेंट। इट्स द थर्ड विशिष्ट जोड़ा दे ऑर्गेनाइज्ड इट, and I really thanks to the government of India and the consul general of India in Toronto, and it was a wonderful event. To honor retire ho nu kitna time ho gaya? I was retired in 1995, and it is almost you can imagine around 29 year now. Yeah, sir, tusi ki kehna chaho? Main warrant officer Nishat Rafgura, bahut badhiya laga ji itthe aake, inna ne bahut badhiya prabandh kita si। असी 71 वार एंड कारगिल की लड़ाई के हिस्सा लिया उगे, हाँ जी स्पोर्ट्स भी करते रहे एयरफोर्स के। हाँ जी, अज इतने सारे इकट्ठे होने का मौका मिलिया तो वधिया लगता कि सारे पुरानिया यादां ताजिया करते हैं। अज बहुत वधिया लग्या जी, बहुत ओल्ड फ्रेंड इतने मिले मेरे, तो उन्होंने मिल के और अज वो प्रोग्राम इतने सेगा देख के बहुत दिल खुश होया। इट वॉज वेरी नाइस एंड वेरी गुड ऑर्गेनाइजर्स। सबसे पहले तो हाई कमीशन को और उनके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारक जो उन्होंने हम सब वेटरन्स को ऑनर किया। और ये एक ट्रेडिशन जो इन्होंने सेट किया है बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है, और यू फील प्राउड ऑफ इट एंड प्राउड ऑफ आवर ओन नेशन। थैंक यू। सर, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी? आई वॉज कमांडर इन इंडियन नेवी। I joined in 1974 as a university entry candidate, and after doing my engineering from IIT Roorkee, and I served in Indian Navy for 27 years before I took premature retirement. और आपको वो दिन याद आते हैं अभी भी? वो दिन वो सुनहरे दिन थे, तो वो तो कभी भूल नहीं सकते। और जो सबसे खूबसूरत बात सर्विसेज की है वो अगर मैं दो वाक्यों में उसको कहना चाहूँगा तो वो ये है कि सर्विसेज इनडायरेक्टली आपको इतना कलर कर देती है कि आप कम से कम चीज़ में भी खुश हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ में भी खुश हैं। मतलब जंगल में भी मंगल कैसे हो सकता है वो फौज हमें सिखा देती है इनडायरेक्टली। तो सर, अज इतने इवेंट से वेटरन्स को सम्मानित किया गया है, किवें दा लग्या, की कहना चाहोगे? बहुत अच्छी एफर्ट है जी। ये पंजवां सी इतने साढ़े बच्चे हर ग्रुप में साढ़े 4-5 ऑफिसर या एयरमैन आते हैं इतने, एंड वी लाइक इट बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग ड्यू इंपोर्टेंस हेयर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 34-35 ਸਾਲ ਏਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ 26 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਮਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਵੀ ਵਰਕ ਫਾਰ ਗਵਰਮੈਂਟ, ਵੀ ਡਿਡ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਥਿੰਗਸ ਵਟ ਵਾਸ ਪੋਸੀਬਲ,
बट हुण एज परमिट नहीं करते कर नहीं सकते हम लोग अज इतने सम्मान समारोह रखा गया किवें दा लग रहा इतने आके बहुत अच्छा है तो सारे पुराने जितने भी वैटरन्स ने उन्होंने ऑनर किया है तो ये बहुत अच्छी गल है वी आर रियली प्राउड ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज तुहानू किन्ना समा हो गया रिटायर होया नू मैं नवंबर 2004 च रिटायर होया सी आफ्टर अबाउट 37 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड रिटायर्ड एज मेजर जनरल आई एम फ्रॉम आर्मी एविएशन रिटायर होने तो बाद अज भी मतलब हर साल ही इन्हों के वालों इतने एक इवेंट करवाया जाता है तो इकट्ठे होने का मौका मिलता है चंगा लगता है नहीं बहुत अच्छा लगता है पुराने वैटरन्स नू मिलना किसी भी टाइम बहुत अच्छा लगता है इट्स अ ग्रेट ओकेजन एंड इट्स वेरी नाइस दैट वी आर मीटिंग एवरीबडी तो सब तो पहले तो पूछना चाहवागे तुहाडे वालों केड़ी सेवा निभाई गई है इनफैक्ट मैं इंडियन एयरफोर्स के विचकार 29 ईयर की सर्विस की एज एन जूनियर वारंट ऑफिसर रिटायर हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्वालिटी कंट्रोल च रहा बट 1971 वॉर आई वॉज इन ईस्टर्न सैक्टर वन एयर ड्रॉपिंग वॉज डन आई वॉज जस्ट ऑन द बॉर्डर प्रोवाइडिंग द सर्विसिज नेविगेशनल सर्विसिज टू द एयरक्राफ्ट फॉर ड्रॉपिंग देन आई रिटायर्ड 1994 नाउ आई एम कैनेडा विद माई सन तो सर इंडिया के सम्मान किया जाता है तो इतने कैनेडा के भी आके उन्होंने रिकोगनाइज किया जाता जो तुहाडे वल्लों सेवा की जाती है देश के लिए किवें दा लग रहा फिर आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड प्राउड ऑफ इट आई थिंक दिस काइंड ऑफ ऑनर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन इंडिया बट हियर रियली कॉन्सुलेट जनरल इज डूइंग अ ह्यूमन सर्विस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंड वेरी ऑनर्ड पहले तो तुहाडे वल्लों जो सेवा निभाई गई है उसके बारे दस दो तो जो इन्ने बैचेस लगे ने बारे भी जानकारी बेटा आई ज्वाइन मिलिट्री इन 1965 आई हैव पार्टिसिपेटेड इन 62 वार 65 वार 71 वार एंड रिटायर्ड एज ए मेजर गॉड कमीशन इन 1973 and retired as a major in January 92. ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਆਲ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ